flow of charges in metal conductor. I have taken one conductor AB, and this due to the thermal irritation, the thermal speed is approximately taken for 5 meter per second of the free electron, and these electrons are in fact randomly moving across the or inside the volume of the conductor. Electrons either either the random movement is the outer. Now very important point, across this cross section, ये जो cross section के around, if we are talking about the number of electron according to the orientation of the free electrons, how it happens, number of free electrons crossing from left to right is equal to the number of free electron crossing from right to left. Means यहाँ पर ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है. मीन्स नेट करंट इज इक्वल टू जीरो. इसीलिए अगर हम यहाँ पर ये दोनों एंड को अगर हम लोग एमीटर्स का यूज करके यहाँ पर देखें कि कितना करंट है, यू विल गेट द जीरो. नेट करंट इज जीरो. नाउ द पॉइंट इज दैट इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई, हमको मान लो यही इसके अक्रॉस हम लोग यहां पर इलेक्ट्रॉन था फ्री इलेक्ट्रॉन था, इसके अक्रॉस हम अभी क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड. हम कैसे अप्लाई करेंगे, बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस. मान लेते हैं एल लेंथ का कंडक्टर है और एक बैटरी लगा दी है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अप्लाई हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन. अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखिए, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव दिस एंड में. दिस इज द वे हाउ द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट अ पर्टिकुलर फोर्स इलेक्ट्रॉन पर. हर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे चार्ज पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो उस चार्ज, वो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है, आपको जानते हैं, हम जानते हैं. तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, इतना फोर्स लग रहा है. अब हर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लग रहा है, तो ये तो फोर्स लग रहा है, दैट पर्टिकुलर फोर्स is accelerate. We know that if a force, external unbalanced force, is applied on any material object or the electronic mass, means electron, it accelerates. अब ये accelerate होना शुरू करेगा. Accelerates. कौन? Electron will accelerate. Now electron will accelerate. तो electron का जो acceleration हो रहा है, अब होगा क्या? Electron is going to collide ये conductor में. In this conductor, not only the electrons are there, but the positive ion lines are there. So when the electron will start moving, it is going to collide with the other free electrons. It is going to collide with the positive ion lattice. ये सबसे collision होता है. फिर इसका acceleration कम हो गया. मान लेते हैं ये जो collision हो रहा है वो कितना देर के लिए हुआ है, बहुत छोटा टाइम के लिए, टॉप टी टाइम के लिए या टॉ टाइम के लिए. तो हम लोग अगर एज्यूम करते हैं ये टॉ इज व्हाट, टॉ इज द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. इस अगर हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. ये क्या है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, इलेक्ट्रॉन यहां गया फिर टकराया दूसरा इलेक्ट्रॉन से या लैटिस से, फिर आया फिर दूसरा से टकराया. तो मींस टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच ये जो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो टाइम लगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. अगर तो मान लेते हैं कि तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम है, तो हम लोग यहां पर ये कर सकते हैं, यहां पर सिंपल एक इक्वेशन आ जाएगा. अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ है यू
इनिशियल वेलोसिटी जीरो हमको मालूम है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू u जीरो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको मालूम क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू e इनटू कैपिटल e, नेगेटिव साइन इंडिकेट द अपोजिट डायरेक्शन, सो एक्सेलरेशन विल बी माइनस e कैपिटल ई बाई स्मॉल एन। तो इसका वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं माइनस ई कैपिटल ई बाई एम इनटू टी, ये रिलैक्सेशन टाइम हम लोग यूज कर रहे हैं, टॉप से डिनोट करते हैं, सो दैट इज योर वी डी इज इक्वल टू, ये क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टॉप। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होके पहुंच रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैदान साफ है, इलेक्ट्रॉन इज क्रॉसिंग, इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से आके इधर पहुंच रहा है, और इसका ये जो इसका इलेक्ट्रॉन के पहुंचने के आपका जो स्पीड है 10⁴ मीटर पर सेकेंड के आसपास, तो इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टिंग। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव एंड, एवरेज वेलोसिटी दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके स्टार्ट, नाउ अनदर टर्म इज दैट मोबिलिटी, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द बेसिस ऑफ दैट मोबिलिटी, व्हाट टर्म इज यूज्ड, and Vd का अगर if we are going to put the value of Vd that we got in the last topic E into E tau by M, that is the value of Vd by E, so ultimately mu is equal to kitna aa gaya, E cancel E tau by M, that is your mobility, so what we are going to see mobility is inversely proportional to the charge carrier m, उसका मास का चार्ज कैरियर के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब चार्ज कैरियर लाइटर है, कम मास का है या ज्यादा मास का, डिपेंड वो तो उसी हिसाब से मोबिलिटी आल्सो आल्सो गोइंग टू वेरी। नाउ कम्स टू द पॉइंट रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट, से हियर द पोटेंशियल डिफरेंस की इज अप्लाइड, so because of that potential difference we know that electric field is going to set up, because why, because we know E is equal to minus dv by dr, here if you are taking the magnitude for the, then what happens, v by that distance l, that is the equation number one, humko kya nikalna hai, current nikalna, current is equal to total charge by t। ab yahan par dekhiye hum log kaise nikalte hain, how we are going to find out, मान लेते हैं कि यहाँ ये कंडक्टर में ये कंडक्टर में ये जिसका लेंथ l है, कितना इलेक्ट्रॉन था 1a1, we don't know the number of electrons, say n be the number of free electrons per unit volume, per unit volume, हम ये मान लिए हैं, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना a है, लेंथ l है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, n इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट कंडक्टर दैट इज a इनटू l, तो देयरफॉर टोटल चार्ज इन द कंडक्टर विल बी, इसको e से मल्टीप्लाई कर देंगे, n a l इनटू e, दैट इज टोटल चार्ज, यही चीज हमको जरूरत था पहले। और टाइम आप कैसे निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है l बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इतना। अब इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे, सो देयरफॉर जस्ट सी इट हियर, देयरफॉर i करंट इज इक्वल टू q बाय t इज इक्वल टू, अब यहां देखिए q का वैल्यू जो आया है दैट इज n a l e by t का वैल्यू कितना आया l by v d, तो ये कितना हो गया
एन, देखिए एल एल कैंसिल, एन ए वी डी इंटू ई, इसको हम लोग अच्छा से लिख सकते हैं। तो आई विल बी, याद रखने के लिए ऐसा कर दिए, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी इंटू ए, नीवा करंट इज इक्वल टू नीवा, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, वो चीज भी आपको देखिए क्या छोटा सा पॉइंट है। अगर हम लोग यहां पर जो वैल्यू आया, अब आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, वी डी का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं नया फॉर्म हमको मिलेगा, ए वी डी का कौन सा फॉर्म, वो जो पहले वाला क्या था, ई कैपिटल ई टॉप बाई एम इन टर्म्स ऑफ रिलेक्शन टाइम। तो आई का वैल्यू आ गया आपका एन ई स्क्वायर ए ई टॉप बाई एम, एक नया रिलेशन आया। ओके, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू हैव टू गो थ्रू इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।